हाय फ्रेंड्स, राउत टेक्निकल को आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अगर हम बैंक में पर मंथ हम इतने रुपीस डालते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हुआ तो हमें टोटल अमाउंट डालने के बाद हमारा जो इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट आएगा और ये हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना टोटल हमको शो करेगा। देखिए ये छोटा सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए बैंक में अगर आपको पता ही होगा बैंक अभी शायद 6% दे रहा है ना, ठीक है। ओके, अगर 6% हमको दे रहे हैं, ये 6% मतलब महीना नहीं है, ये मतलब 12 महीना है, मतलब 1 ईयर होगा, ठीक है। जो ईएमआई हम भर रहे हैं इसको ईएमआई भी बोल सकते हो या डिपॉजिट बोल सकते हो, ठीक है। इसको 7500 अगर हम पर मंथ इसको डिपॉजिट करें बैंक सेविंग अकाउंट में तो ये हम मतलब पीरियड होगा हमारा जो 12 महीना होगा, मतलब 1 साल हम डिपॉजिट करें तो उसके बाद हमारा जो अमाउंट होगा वो कितना आना चाहिए, हमारा जो सेविंग अकाउंट के जो अमाउंट होगा वो कितना आना चाहिए। तो इस पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू FV 6% डिवाइड बाय 12, उसके बाद कमा देंगे और पीरियड लेंगे, उसके बाद हम माइनस ये जो EMI भरते हैं वो लेते हैं, उसके बाद एंटर कर देंगे, ठीक है। जो 7500 डालेंगे और 12 महीने तक तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा और अमाउंट होगा वो कैलकुलेट होके 92,560 अमाउंट आ जाएगा 1 साल के बाद। ये होगा आपका सेविंग अकाउंट का, ठीक है। तो थैंक फ्रेंड्स, ये छोटा सा ट्रिक था। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले के वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।